हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैक्टर बाजी में। तो आज हमारे सामने खड़ा है सोनालिका का DI-50 सिकंदर, 52 HP का ये ट्रैक्टर है। 3067 CC के 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। जो इसका इंजन रेटेड RPM कंपनी क्लेम करती है वो 2000 RPM, और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क क्लेम किया जाता है 205 Nm टॉर्क, और डुअल क्लच में है ये, और टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ कॉन्स्टेंट मैश गियर टाइप इसमें अवेलेबल होते हैं। फॉरवर्ड 8, रिवर्स 2, और ऑयल इमर्स्ड ब्रेक के साथ ये ट्रैक्टर आता है। पावर स्टीयरिंग 6 स्प्लाइन PTO टाइप में ट्रैक्टर आता है। जो PTO RPM है वो 540 RPM है, और जो PTO HP है वो 44 HP है। बात करें अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें 55 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है ये। बात करें इसके व्हील बेस की, तो 2130 mm का व्हील बेस है इसके अंदर। लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 किलो की है। बात करें इसके फ्रंट टायर की प्रोफाइलिंग की, तो 750/16 की फ्रंट टायर की प्रोफाइलिंग है। बात करें रेयर टायर की, 1428 की रेयर टायर की प्रोफाइलिंग है। किसान सोनालिका DI-50 सिकंदर 52 HP वाले इस ट्रैक्टर को चलाते हैं, हम उनसे जानेंगे मतलब कैसा ट्रैक्टर है, और मतलब कोई और ट्रैक्टर जो वो चलाते हो मतलब वो कैसा है, इससे मतलब क्या क्या इसमें खास लगता है और कुछ कमी लगती है, तो वो भी उनसे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं, उन्हें अपना नाम और पता बता दीजिए। ग्राम पोस्ट खिलवाई, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, यूपी। आपका नाम? कांति नाम है। आप इस सोनालिका 50 को कब से चला रहे हैं? ये 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। हाँ। तो मतलब 1 साल में पूरा अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया आपने हर चीज पे। तो सबसे पहले बात करें, आज इसे आप चला रहे हैं हैरो के ऊपर? हाँ जी, सोलर डिस्क की हैरो है। तो जैसे कि आप इस हैरो के ऊपर चला रहे हैं, तो हैरो को सबसे पहले ये बताइए, हैरो के ऊपर कैसा काम करता है ट्रैक्टर? हैरो पे बहुत बढ़िया काम करता है। पहले गियर में और दूसरे गियर में, कोई से गियर में भी चला सकते हैं। बात करें जैसे आपने इस पर कट्टा रखा हुआ है ऊपर लोड भर के, तो वो क्यों रखा हुआ है? ऐसा एक बहा लगेगी हैरो में, हैरो की इस खेत में, तो इसलिए हैरो कम ना बैठे। अच्छा, मतलब ठीक चले अपने, पूरा बहान हो जाए एक बार। अब बात करें तो जैसे हैरो पे आप चला रहे हैं, तो इस पर लगभग कितना डीजल खर्चा हो जाता है? सबका मिनिमम नॉर्मल 1 लीटर बीके का खर्चा होता है ट्रैक्टर का। रूटर किसी भी चीज पे? हैरो टिलर पे। हैरो टिलर पे बात तो करें, 1 लीटर बीके का ये खाएगा। बात करें अगर रूटर वेटर पे? रूटर वेटर पे लगभग 2 लीटर बीके का। तो और मतलब और चीज इंप्लीमेंट्स वगैरह बात करें, कभी कंप्यूटर मांझे पे टेस्ट किया आपने? नहीं, कंप्यूटर मांझे पे चला है। और लोड वगैरह पे? रूटर पे चलाया है और थ्रेसर पे चलाया है। बात करें थ्रेसर की, तो थ्रेसर पे बढ़िया काम करता है, और तेल भी लगभग 7 लीटर 8 लीटर घंटे का खाता है। और लोड वगैरह की बात करें? लोड बहुत अच्छा खींचता है। मेरे पे एक ट्रैक्टर और है, महिंद्रा 595, उससे काफ़ी अच्छा चलता है। मतलब आप महिंद्रा 595 भी है? हाँ। तो बात करें महिंद्रा 595 में, और इसमें आपको जब आपने ये लिया, वो पहला ट्रैक्टर है या ये पहला है? वो पहला है। तो जब आपने ये लिया, मतलब ऐसा क्या माइंड में आया कि सोनालिका लेता हूँ? बस अब का ये है कि महिंद्रा तो चला लिया, मैं कब का सोनाली का और देखते चला के, मुझ पे एक बोने की मशीन है जी, तो एक बोने की मशीन पे महिंद्रा हल्का रह जाता है। ये बढ़िया काम करता है, तो इसलिए ये लेना पड़ा सोनाली का। और बात करें चलने में रोड वगैरह पे कौन सा बढ़िया ज्यादा चलता? रोड पे तो सब बढ़िया चलते हैं, बस लोड में ये ज्यादा लोड बढ़िया खींचता है उससे महिंद्रा से। तो जब आपने ये लिया, मतलब और कुछ फर्क लगा दोनों के बीच में आपको? बस और तो कुछ नहीं, लोड का ही फर्क है, लोड बढ़िया खींचता है और बस ये है। मेंटेनेंस कम है इस ट्रैक्टर में। महिंद्रा का ज्यादा है इससे? महिंद्रा का नहीं, हाँ ज्यादा है थोड़ा सा, इससे ज्यादा है थोड़ा सा। और बात करें, गियर भी ज्यादा मांगता है महिंद्रा, ये गियर नहीं मांगता। अच्छा, मतलब प्यार से ले आता? हाँ, जोन से गियर में चल रहा है उसी में चलता रहता है। और कुछ किसान भाई को आप बताना चाहेंगे अपनी तरफ से कि ऐसा है, मतलब जो भी आपको खासियत लगती हो, कुछ भी छोटी मोटी कमी लगती हो? बस और तो कोई कमी तो कोई है नहीं गियर के, कमी बताई जाए ट्रैक्टर में, मतलब कोई कमी नहीं रखती आपको इस ट्रैक्टर के अंदर। और बात करें कोई अच्छाई हो जो आपको सबसे ज्यादा इसे पसंद करते हैं आप? बस का स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा स्टीयरिंग छोटा व्हील है। अच्छा, घूमने में बहुत अच्छा काम करता, मतलब छोटी जगह में आराम से घूम जाता, आराम से घूमता। और बात करें जैसे आप महिंद्रा इससे पहले चलाते थे, तो जब चलाने की बात आती है, तो मतलब लोड वगैरह तो चाहता ही, वैसे आपने रूटर वगैरह सब पे चलाया होगा? वो भी? ये सब पे चलाया, ये भी और वो भी। तो बात करें इन दोनों में क्या फर्क लगा, मतलब चलाने में, रूटर पे, टिलर पे, हैरो पे? रूटर पे वो जो महिंद्रा है वो दब जाता है, ये नहीं दबता, मतलब प्यार से कितना भी दाब लो मतलब आराम से ले जाता है। मेरे पास शक्तिमान का रूटर वेटर है, वो शक्तिमान का रूटर जो है सबसे ज्यादा लोड डालता है, दबता है,
बात करें सोनालिका की तो बिल्कुल भी कहीं इतना मतलब लीवर डाउन करके चलाएं तो दबता नहीं, मतलब ले आता प्यार से। और बात करें टिलर हैरो पे दबता है कुछ नहीं? महिंद्रा महिंद्रा हैरो टिलर पे तो कोई नहीं दबता, वो भी 52 एचपी का ट्रैक्टर है वो भी, पर वैसे रूटर पे दब जाता। और बात करें सर्विस की, जब आप मतलब एजेंसी से कराते हैं सर्विस? सर्विस तो हम लोकल मिस्त्री से कराते हैं। अच्छा लोकल से। बात करें तो मतलब सर्विस की कॉस्टिंग वगैरह कितनी आ जाती है लगभग लगभग दोनों ट्रैक्टर्स की? सर्विस की कॉस्टिंग दोनों की बराबर ही आती है, मतलब ज़्यादा कुछ खास? हाँ, बस उसमें एक एयर फिल्टर का वो टर्बो है तो उसमें एयर फिल्टर महंगा है। अच्छा हाँ। इसमें मतलब एयर फिल्टर नहीं है तो एयर फिल्टर इसमें तो ड्राई वाला है वो। हाँ वो ड्राई जाता है। अच्छा और कुछ खास बात हो इस ट्रैक्टर के अंदर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो इस ट्रैक्टर को, मतलब और कौन कौन से ट्रैक्टर आपने लगभग लगभग चलाए? मेरे पे मैं सी है 10-35-41 भी रखा मैंने, और एक महिंद्रा 595 है, इससे पहले आइसर भी लाया है 485। जब आप आइसर 485 लाए तो आइसर 485 का मैंने सबसे ज़्यादा ये सुना है कि कंप्यूटर मैनेजर सबसे बेस्ट काम करता है। कंप्यूटर मैनेजर काम करता है लेकिन हमें जो है ट्रैक्टर दबता है हमें लगा। अच्छा दबता है? हाँ रूटर पे और टिलर पे ट्रैक्टर दबता है। और जो आपके मैसी वगैरह हैं वो सब वो भी दबते हैं? मैसी तो बागों के लिए ले रखा है मैंने, टैंकर और जुताई के लिए। अगर वैसे आपने किस किस चीज़ पर मैसी को चलाया जब लगभग? मैसी को हैरो पे टिलर पे और टैंकर पे, बस बढ़िया काम करता तो वो भी। हाँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत। आपको इस ट्रैक्टर से कोई इतनी सी शिकायत हो छोटी मोटी कुछ भी? कोई शिकायत, मतलब बेहतरीन तरीके से सब। हाँ, आप संतुष्ट हैं इस ट्रैक्टर से? और किसान भाई अगर कोई जैसे मानो सोनालिका का DI-50 या कोई भी सोनालिका का कोई और ट्रैक्टर लेना चाहे तो आप सजेस्ट करेंगे? हाँ जी, मतलब बिल्कुल ले ले, बिल्कुल ले ले आग बीच के। और अगर बात करें महिंद्रा वगैरह की, वो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर हम पे है वो अब भी है। अच्छा अब भी है, तो बहुत ही जल्दी उसकी कोशिश करेंगे कि आप उसका भी हमें बताएं, मतलब उसके साथ ट्रैक्टर के साथ कैसा काम करता है। किसान भाइयों अब ट्रैक्टर को चलाने की बारी है, पहले अब पहले बताइए कौन से गियर में चलाकर दिखाने वाले? पहले गियर में चला कर दिखाएं, पहले के हाई में। तो चलाइए, देख सकते हैं पहले के हाई में चलने वाला ट्रैक्टर, 1300 चक्कर पे चलाने वाले हैं। देख सकते हैं कैसे जा रहा, बिल्कुल आया है मजे, ट्रैक्टर बिल्कुल प्यार से जा रहा है ऐसे मक्खन की तरह। देखो एक बार जुताई देख लो पूरी, हैरो इस टाइम ट्रैक्टर चलता हुआ है 1300 चक्कर पे चल रहा, पहले के हाई में चल रहा। देख लो बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह जा रहा ट्रैक्टर, कोई दिक्कत परेशानी ट्रैक्टर को नहीं आ रही बिल्कुल भी। फिर आप पहले के हाई में चला के दिखाया है, फिर दूसरे गियर में चला के दिखाएंगे ट्रैक्टर को दूसरे में कैसा काम करता। अभी आप देख सकते हैं एक चक्कर है मतलब पूरा होने वाला है इसका, पहले के हाई में 1300 चक्कर पर चलता हुआ है ट्रैक्टर इस टाइम। सोनालिका DI-50 52 HP का ट्रैक्टर है, 3067 cc के 3 सिलेंडर इंजन के साथ ट्रैक्टर आ है। देख लीजिए एक बार पूरा चक्कर होने वाला है उधर से ऐसे घूम के पूरा। अब दूसरे का हाई में चल रहा है, देख सकते हैं आप ट्रैक्टर दूसरे में लगा दिया सर ने आपका सोनालिका DI-50। देख सकते हैं दूसरे में भी ऐसे जा रहा बिल्कुल प्यार से, कोई दिक्कत परेशानी ट्रैक्टर को बिल्कुल नहीं आ रही, मतलब ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर दब रहा बिल्कुल भी नहीं दब रहा। बहुत से ट्रैक्टर होते हैं दबते हैं थोड़ा, फिर 52 HP का ये ट्रैक्टर है आपका। देख लीजिए पहले गियर की ये दूसरे की, इधर पहला इधर दूसरा, तो आप यहाँ पर दूसरे गियर में पहला चक्कर कंप्लीट हो चुका है इसका। एक बार देख लीजिए ये आ गया आपका सोनालिका DI-50, इसका पूरा होगा तीसरा चक्कर इस बार। बिल्कुल मक्खन की तरह ट्रैक्टर। भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं किसान भाइयों सर ने आपको सारी जानकारी दे दी,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच। और जल्दी ही महिंद्रा की वीडियो भी हम लाने की कोशिश करेंगे सर के साथ।